दोस्तों ये अमूल का घी है, अमूल गाय का शुद्ध घी, और ये इसकी सील अभी अभी मैंने खोली है, बिल्कुल नया पैक है, अभी इसको मैंने परचेज किया है। ये इसका ढक्कन है, अभी इसको परचेज किया है। जैसे इसको मैंने खोला है तो ये ऊपर मेल्टेड था, और देख सकते हैं इसमें मैंने इसमें स्पून घुमाई है तो ये पार्टिकल्स मुझे तैरते मिले हैं। रात पार्टिकल का पूरी लेयर थी ये मैं उतार रहा हूँ इस पे से, और आप देख सकते हैं ये लेयर एकदम सॉलिड है, ये घी नहीं है, घी की तरह नहीं है ये, क्योंकि घी में इस तरह के प्लेक्स नहीं बनते हैं, एकदम सॉलिड लेयर है ये, सॉलिड। और जबकि टेम्परेचर अभी यहाँ है लगभग मस्कट में अराउंड 27-28 ये टेम्परेचर है, और एक पूरी लेयर बनी हुई है, ये देखो ये निकल कर आई लेयर पूरी, देख रहे हैं। ये एक पूरी लेयर निकल कर आई है, ये रही। घी में इस तरह की बात नहीं होती है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि घी में इन लोगों ने कुछ मोम की मिलावट की है, वैक्स है ये, वैक्स, ये पूरा का पूरा वैक्स है, वैक्स की लेयर है। ये देखो आवाज भी आप सुनेंगे इसकी, ये सॉलिड है एकदम, मोम की तरह सॉलिड है ये। तो यही कहना चाहूँगा कि इस घी को अच्छे से देख के खरीदें। ये देखो क्या घी को कभी इस तरह देखा आपने, ये सॉलिड वैक्स है, इसको हम हिंदी में मोम कहते हैं, और ये पूरे घी में मोम की मिलावट है, नीचे तक यही निकल के आ रही है। ये देखो ये घी में मोम की मिलावट है, ये रही। और कहने को ये अमूल शुद्ध देसी घी है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, देसी घी में मोम की मिलावट नीचे तक है, पूरे में नीचे तक मोम की मिलावट है। ये देखो ये देखो ये मोम की मिलावट है इसमें। मैं इसका सैंपल निकाल रहा हूँ फर्दर टेस्टिंग के लिए, इसको मैं लैब में भेजूंगा इस सैंपल को, तो जब भी आप घी लें, देसी घी लें, इस चीज़ से सावधान रहें कि इसमें मोम की तो मिलावट नहीं है। ये देखो पूरे घी में मोम की मिलावट है, मतलब इन लोगों को ये ध्यान नहीं है कि इन्हें खा के आदमी मरेगा या बचेगा, पूरे घी में मोम की मिलावट है। और ये अमूल गाय का शुद्ध घी है, और इसका लोट नंबर वगैरह सब ये शायद आ रहा हो इसमें, ये इसका लॉट नंबर वगैरह है सब कुछ, इस पे डेट है, लॉट है, सारी इन्फॉर्मेशन इस पे शायद दिखाई दे रही होगी। ये मतलब ये इसकी कहानी है, घी में मोम की मिलावट और अमूल शुद्ध गाय का शुद्ध घी, और शुद्ध घी में मोम की मिलावट।